चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है बस्तर में नक्सलवाद और चुनौतियाँ, यानी कि बक्सर में जो नक्सलवाद है उससे संबंधित चुनौतियाँ, वहाँ पर क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये विषय क्यों चर्चा में है, हम सभी को पता है कि हाल ही में नक्सलवादियों ने हमारे जवानों की हत्या कर दी थी और इस वजह से एकाएक चर्चा में आ गया। इतने साल हो चुके हैं लेकिन वहाँ पर ये समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। जितने जवान कश्मीर में शहीद नहीं होते उससे कहीं ज़्यादा जवान नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में मर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए थे और साल 2021 में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इसके साथ ही एक बार फिर से ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया है और इसके बाद में गृह मंत्री ने भी कहा है कि नक्सलियों से लड़ाई का निर्णायक समय अब आ चुका है। छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका नक्सलगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, तो आज हम विशेष रूप से बस्तर के बारे में बात करेंगे कि इसको नक्सलगढ़ क्यों कहा जाता है, ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं कि इतनी सहायता और इतनी फोर्स होने के बावजूद भी वहाँ नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो पा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि बस्तर का जो इलाका है उसमें ऐसी कौन सी चुनौतियाँ हैं जिसकी वजह से यहाँ नक्सलवाद कभी ख़त्म नहीं होता या फिर सेंट्रल फोर्सेस को वहाँ पर बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे मुख्य चुनौती ये है कि ये बॉर्डर वाला ज़िला है और घने जंगल, बस्तर डिवीज़न घने जंगलों में लगभग 39,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें से 50% जंगल है। यहाँ पर ज़्यादातर इलाके नक्सलियों के प्रभाव वाले हैं और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की उपस्थिति ना के बराबर है। नक्सलियों के लिए इससे सुरक्षित पनाहगार बन जाते हैं जिनका उपयोग वो हमला करने के बाद करते हैं, तो ये एक मुख्य समस्या है। इसके साथ ही नक्सली यहाँ वारदात को अंजाम देकर ऐसे ऐसे जगहों पर छुप जाते हैं जिनका पता सेंट्रल फोर्स को नहीं होता है। यह इलाका नक्सलियों का बिल्कुल जाना पहचाना इलाका है और वो उस इलाके में घुस जाते हैं जहां छिपने की जगह होती है या वार भी छिप कर ही करते हैं। ज़्यादातर मामलों में नक्सली ऊंचाई पर होते हैं और सुरक्षा बल नीचे होते हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बल चाहे जितने चाक चौबस हो जाएं बावजूद उसके वो खतरे में बने रहते हैं। तो ये सारी चुनौतियां हैं। यहाँ के लोकल भी होते हैं ये लोग, तो उनको अपने इलाके के बारे में सब कुछ पता होता है और सेंट्रल फोर्स सेंटर से आई हुई फोर्स होती है, वो उस इलाके की भौगोलिक स्थितियों के बारे में ज़्यादा कुछ जानती भी नहीं है, रहने के बाद भी जान पाती हैं लेकिन उतना डिटेल में नहीं। दूसरा ये है कि इन सब में आदिवासियों की क्या भूमिका है। नक्सली हमले के लिए जिस युद्ध प्रणाली का उपयोग करते हैं वो है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली और आदिवासी इसमें माहिर होते हैं। ये कारण है कि नक्सलियों को यहाँ ज़्यादा और बेहतर आसानी से जो है आदिवासी उपलब्ध हो जाते हैं और इनका उपयोग वो लड़ाकों के रूप में करते हैं। नक्सलियों ने अब तक हुई ज़्यादातर वारदातों में गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का ही इस्तेमाल किया है। हाल ही में जवानों पर जो ये हमला हुआ है उसमें भी नक्सलियों ने पूरे गाँव को खाली करा लिया था और फिर उन्होंने जो है चारों तरफ से जवानों को ट्रैप कर लिया था। तो ये उनकी युद्ध तकनीक है जिसकी वजह से भी वो सफल भी हो जाते हैं काफ़ी बार। ग्रामीणों की भी इसमें भूमिका रहती है। आदिवासियों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए नक्सलवादियों ने भ्रष्टाचार का सहारा लिया है, उन्होंने जन अदालत लगानी शुरू की है और वो ये दावा करते हैं कि इस जन अदालत में हमारे पास जो आएगा उसे न्याय मिलेगा। न्याय का भरोसा देकर और कुछ हद तक उनको न्याय देकर वो उन लोगों को अपने फेवर में कर लेते हैं, तो स्थानीय लोग भी उनकी मदद करते हैं और इसका फ़ायदा सीधा सीधा नक्सलियों को होता है। इसके साथ ही नक्सलियों में बड़ी संख्या में आदिवासी भी होते हैं, इस वजह से ग्रामीणों को मजबूरी में भी कि नक्सली खुद तो है ही, आदिवासियों का सहयोग भी उनके पास है, तो ग्रामीण जो नहीं चाहता उनके पक्ष में होना उनको भी मजबूरी में उनके पक्ष में होना पड़ता है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नक्सलियों को उनको सहयोग देना पड़ता है। आए दिन वहाँ पर इस तरह की वारदातें होती हैं जिसमें वो किसी ग्रामीण को, यानी कि नक्सली किसी ग्रामीण को पुलिस का मुखबिर होने की शक से उसको मार डालते हैं।
तो ग्रामीणों के बीच में हमेशा भय का माहौल रहता है और वे सुरक्षा बलों को सहयोग करने से डरते हैं, पुलिस प्रशासन ने उनका सहयोग करने से भी डरते हैं, और वो जिन लोगों से करीब हैं उन्हीं से उनको अगर खतरा महसूस होगा तो वो सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे। तो ये उनके लिए एक बेनिफिट होता है नक्सलवादियों के लिए। इसके साथ ही वहाँ पर एक और समस्या जो देखी जाती है वो ये है, वहाँ के जो लोकल स्थानीय पुलिस है और जो सेंट्रल फोर्स है उनके बीच में तालमेल का अभाव होता है। किसी भी इलाके में तैनात की गई सेंट्रल फोर्स इलाके में उतनी अच्छी तरह से उनका जो है परिचय नहीं होता उस इलाके से जितना कि वहाँ की स्थानीय पुलिस का होता है। कई बार जो सेंट्रल फोर्सेस हैं वो स्थानीय पुलिस को बिना बताए ही ऑपरेशन पे निकल पड़ती हैं और ऐसे इलाके में ऑपरेशन कर लेती हैं जहाँ के बारे में उनको पता नहीं होता है और खतरे के बीच में वो लोग आ जाते हैं और नक्सलियों के जाल में भी ऐसे में वो फंस जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरनाक माहौल रहता है, ग्रेनेड लगे होते हैं और बहुत सारी चीज़ें देखी गई हैं कि किसी रोड के ऊपर जाना सुरक्षित नहीं है, गाड़ियाँ उड़ा दी जाती हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती रही हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में पुलिस और सेंट्रल फोर्स का जो तालमेल है पहले की तुलना में बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी उसको और ज़्यादा बेहतर होने की ज़रूरत है जो कि सफलता के लिए ज़रूरी है। एक और समस्या की अगर मैं बात करूं तो संचार के साधनों की, सड़कों की कमी। ऐसा नहीं है कि सरकार वहां डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करती, लेकिन इन इलाकों में जो डेवलपमेंट के कार्य किए जाते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, सड़कें उड़ा दी जाती हैं। ये पूरा इलाका घने जंगल में है जिसकी वजह से यहाँ सड़क और संचार की सुविधाएँ नहीं हैं और जो सुविधाएँ सरकार देती भी हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। विकास कार्य का नक्सली यहाँ पर विरोध करते हैं। आए दिन सड़क निर्माण जो होता है उनकी मशीनों को आग लगा दी जाती है, सड़कों को उड़ा दिया जाता है, जो ठेकेदार उस सड़क का कार्य कर रहा होता है उसको अगवा करने की घटनाएं, उसको जान से मार देने की घटनाएं वहाँ पर होती रहती है। तो वहाँ पर जहाँ पर नक्सलाइड एरिया है वहाँ पर फोर्स का जाना, एडमिनिस्ट्रेशन का जाना और किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड किसी किन्हीं भी लोगों का जाना खतरे से खाली नहीं माना जाता है। कारण इसका स्पष्ट है कि वो वहाँ विकास कार्य चाहते ही नहीं हैं। इस वजह से नक्सली हमले की स्थिति में फोर्स को आपस में तालमेल का अभाव होता है। इमरजेंसी में अगर लोग चाहिए या इमरजेंसी में कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाती है, इसी वजह से सड़क और इन सब संचार सुविधाओं के अभाव की वजह से, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन का किया हुआ काम नहीं है। वहाँ के लोग यानी कि नक्सलाइट जो लोग हैं वो चाहते ही नहीं हैं कि ये सब डेवलप हो। ये सब डेवलप हो गया तो डेवलपमेंट वहाँ चला जाएगा और डेवलपमेंट अगर एक बार वहाँ चला गया तो उसके बाद से जो उनका जो चल रहा है इतने सालों से प्रक्रिया वो सब ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नक्सलवादी जो ये नक्सल प्रभावित जो ज़िला है बस्तर उसके बारे में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 305 किलोमीटर दूर दक्षिण में बक्सर जिला है और ये पूरा ज़िला जो है 6000 से भी ज़्यादा किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके ज़्यादातर इलाके जंगलों में हैं और ज़्यादातर इलाकों में जो है इसका मतलब 2000 वर्ग किलोमीटर के आसपास के इलाके में जो है नक्सलियों के कब्ज़े में है। एक समय में ये ज़िला पूरे केरल राज्य से भी बड़ा था। बाद में 1999 में इसमें से दो ज़िलों को अलग किया गया जिसमें से एक का नाम है कांकेर और दूसरा है दंतेवाड़ा। ये दोनों ज़िले भी नक्सल प्रभावित हैं। ये है बस्तर ज़िले का भौगोलिक स्थिति। अब हम देख लेते हैं कि उस इलाके के बारे में आंकड़े क्या कहते हैं, वहाँ पर मौत के आंकड़े क्या कहते हैं। हमारे आंकड़ों का आधार है फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में बताया है। ये बताया गया है कि 2018 से 2020 के दौरान देश में जो नक्सली हमले हुए हैं उन वारदातों में 162 जवान शहीद हुए हैं और 463 आम लोगों की इसमें जान गई है। जितने जवान शहीद हुए हैं उससे तीन गुना ज़्यादा आम लोग वहां पे मरे हैं। इसी अवधि में सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई में 473 नक्सलियों को भी मारा है। भारत के जो राज्य नक्सल प्रभावित हैं उनमें छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जो है मुख्य है जहां पर नक्सलवादी
प्रभावित हैं। तो जो ये नक्सली कार्रवाइयाँ हुई हैं, नक्सली हमले हुए हैं, उनमें जो है सबसे ज़्यादा वारदातें छत्तीसगढ़ में हुई हैं 2018 से 2020 के बीच में, जिसमें बहुत सारे हमारे जवान शहीद हुए हैं। इसी वजह से आज का ये टॉपिक भी हमने लिया था बस्तर के बारे में विशेष रूप से, जिसके बारे में हमने पूरा बातचीत कर ली है। अब हम देखते हैं आज के प्रश्न को। आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2018 से 20 में सबसे अधिक नक्सली वारदातें हुई हैं? विकल्प ए झारखंड, विकल्प बी छत्तीसगढ़, विकल्प सी मध्य प्रदेश, विकल्प डी महाराष्ट्र। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दीजिएगा, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अब हम देख लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न को। पिछले वीडियो में पूछा गया था कि अनाम्य योजना से संबंधित प्रश्न था और सत्य कथन बताना था कि कौन सा है। तो सत्य कथन केवल दो है। ये जो योजना है ये सिर्फ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं है, जनजातीय मंत्रालय भी इससे जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। हमारे इस वीडियो और अन्य वीडियो से संबंधित PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर सारे PDF उपलब्ध हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।